हेलो गाइस, माय सेल्फ भूपेंद्र सिंह। यार मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि अब 2025 की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि सभी बच्चों को ज़्यादातर जो एनटी का स्कीम चल रहा था ना उसमें चला गया, और जो 2025 बैच वाले थे, मतलब जो 2025 वाली तैयारी कर रहे हैं, वो भी उसमें थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए और मतलब पढ़ नहीं पाए। तो अब यार कितना टाइम बच रहा है यार, क्यों है क्या, मतलब क्वेश्चन बहुत है माइंड में। और करे तो करे क्या, सबसे मेन चीज़ ये तो करे तो करे क्या बच्चा, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। देखा जाए अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए यार, अब मेरा मानना ये है अब प्रिपरेशन आपको चालू कर देनी चाहिए 2025 वाले बच्चे को लिए। तो उनको यार जिसके नंबर बिलो नंबर आ रहे हैं, जिसको करनी है वो तो यार पढ़ाई चालू कर दो, क्या ही रखा है इसमें। हम देखते रहेंगे, जो न्यूज़ आ रही आती रहने दो, पर यार तो पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। और आप चाहे थे मतलब क्या, अब सोचे हो गया कितना टाइम कम है तो कैसे सिलेबस कवर करें, क्योंकि आपने एनटीए के चक्कर में स्कीम के चक्कर चलते चलते हमने उसमें ज़्यादा फोकस करा, तो हमने अपना बैकलॉग बैकलॉग सब कर लिया है। तो अब यार आगे करें तो करें क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर इसके लिए यार ऐसा कुछ नहीं है कि अब मतलब अब पढ़ाई करेंगे तो अब नहीं हो सकता यार, हो सकता है अब भी। आप मतलब आप जैसे जो भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, बेसिक जो चैप्टर्स हैं, आप उनकी वन शॉट्स ले सकते हैं, वन शॉट लेकर आप इनको कवर कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब जो स्ट्रेटजी है, देखो ऐसे स्ट्रेटजी नहीं करो आप जो मतलब वो हो जिसमें तुम्हारा बैकलॉग हो गया हो, उसकी वन शॉट लेके अपने नोट्स बनाओ वन शॉट के, उसको ले लो रिपीट, और समझ में ना आए तो मतलब एक बार नोट्स बना लिए और वो कर लिख ली, तो उसको यार तुम दोबारा से भी मतलब उसकी खाली दोबारा से लेक्चर ले लो, तो ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। वन शॉट लेके किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब फिजिक्स की, बायो की, किसी की वन शॉट ले लो, सफिशेंट यार। उसको मतलब दोबारा से पढ़ लेना, फिर उसके वहां से कवर कर लेना, और जो मतलब आपने बैच ले रखा हो या नहीं ले रखा हो फिर उससे पढ़ लेना मतलब। और बहुत से बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं बिना बैच के, तो यार वो ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसकर मतलब बहुत सी फ्री सीरीज चल रही है, संजीवनी वंजीवनी, पीडब्ल्यू की यार हजारों रहती हैं, बहुत से बैचेस हैं। अब तो वेदांत वाले भी फ्री ला रहे हैं, मतलब जो भी फ्री है ना उनकी, उनको सीरीज को फॉलो कर लो, हर चैप्टर के तुम्हें मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे भी ढूंढोगे ना, यूट्यूब पे सारा कॉन्टेंट है, अब बस ढूंढने वालों की कमी है। आप सर्च करो आपको मिलेगा जो भी, मतलब एक मतलब पहले सिलेबस आप चाहें तो पहले एक बार सिलेबस अपना फर्स्ट पेज पे सारा सिलेबस लिख लीजिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, जो जो आपको पढ़ने मतलब एक सीरीज वाइज लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक एक चैप्टर को उसका यूट्यूब पर सर्च कीजिए और पढ़िए, वन शॉट देखिए या उनका सीरीज वाइज देख लेना, ठीक है ना। आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो, बस आपके ऊपर बात है ना, ये तो देखना है कि नहीं देखना। सब चीज़ें फ्री है, फ्री मतलब फ्री सब चीज़ मिलेगा, बस तुम्हारे पास अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन है तो सब चीज़ पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना डेडिकेशन के आपका कुछ नहीं होगा। डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर, सब चीज़ होगा। और बहुत सा एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब जब कितना टाइम बचा, यार लगभग अब भी 9 से 10 महीने बच रहे हैं, और ये बहुत सफिशियंट टाइम होता है, ठीक है ना। इतना टाइम है वो काफ़ी है, आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब नोट्स बनाए या नहीं बनाए, या मेरा मानना है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तैयारी तो नोट्स बनाने चाहिए। अरे यार तुम ड्रॉ करो और आपके पास नोट्स हैं प्रीवियस, तो कोई चक्कर ही नहीं है, मत बनाओ यार, क्योंकि टाइम वेस्ट किया जाए। लेक्चर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना बहुत है। क्योंकि आप क्वेश्चन, क्योंकि आना तो क्वेश्चन है सामने, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना फ़ायदा है। मतलब करो, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, एक क्वेश्चन ये भी था भाई। क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला तो क्वेश्चन करो ही मत, ये तो पढ़नी पढ़नी है, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। बायो को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कर लेक्चर लिया, एनसीईआरटी रीड करो 2 बार, बात खत्म। जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना फ़ायदा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अब मैंने भी सभी टीचर से सुना है, जब मैं प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी जब देखता था तो उसमें भी मैंने सुना है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी पढ़ने से होता है, और आपको मतलब ट्रिक बनाओ उनकी, जो उसे रहते हैं ट्रिक बना के याद करो, पर करो। एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं यार। इस तुम इस बार का पेपर देख लो, जो रीनीट हुआ उसका पेपर देख लो, या उससे प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, कितने पेपर देख लो, बायोलॉजी का तो सीधा सिद्धांत यही है, एनसीईआरटी पढ़ो, बात खत्म। पहले मतलब फर्स्ट टाइम में तो नोट्स बनाने चाहिए, पर जो उसके बाद आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में जो तुम्हें लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसे लिख लो, मतलब बहुत सी लाइन ऐसी होती है कि एनसीईआरटी में नहीं होती, और वो उनका मतलब तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, तो एक्सप्लेनेशन है ना, जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन जो भी यार आपकी क्वेरी हो से मुझे कमेंट में बता देना है, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और ऐसे छोटे मोटे न्यू वीडियो के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।